टू द वीएस किचन। आज हम बनाने वाले हैं मुगलई चीज पराठा। तो उसके लिए हमने यहाँ पर लिया है 150 ग्राम मैदा। उसके अंदर हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून के करीब नमक, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक सॉफ्ट डो हम तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डो हमारा रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कि ना तो ज्यादा एकदम सॉफ्ट है और ना ही ज्यादा हार्ड है। तो अब हम इसके लोइये बना लेंगे। छोटा या बड़ा पराठा जैसे भी आप चाहें वैसा बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम मीडियम मुगलई चीज पराठा बनाएंगे। तो उसके लिए हम पहले पेड़ा तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा पेड़ा बनके एकदम रेडी हो चुका है। तो अब हम इसको बेल लेंगे। तो बेलने के लिए सबसे पहले हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे दोनों साइड में और अब हम इसको बेल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने हमारे पराठे को बेल लिया है। हमने आपको बताया था कि हमें छोटे साइज का ही पराठा चाहिए था। तो यहाँ पर पराठा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर हम लेंगे 1 चीज स्लाइसेस। यहाँ पर हम अमूल का चीज स्लाइस ले रहे हैं। आप चाहे तो मोजरेला चीज का भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको खोल लेंगे। खोलने का तरीका भी हम आपको दिखा देते हैं। वैसे तो खोलने का तरीका बहुत ही ज्यादा ईजी है इसका। तो यहाँ पर हमने एक चीज रख दी है। अब हम इसके ऊपर रखेंगे थोड़े से पिज्जा मिक्स, या तो आप इसको ऐसे ही फोल्ड करके फ्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके अंदर थोड़ा सा ट्विस्ट देना है तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं पिज्जा मिक्स। इसका जो टेस्ट है और इसकी जो खुशबू है बहुत ही बढ़िया लगती है खाने में। तो वो ले लेंगे, कम या ज्यादा आप अपने हिसाब से इसको डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पिज्जा मिक्स को डाल दिया है। अब इसके ऊपर हम डालेंगे हल्का सा नमक, पूरी तरीके से ऑप्शनल है क्योंकि हमारे आटे में भी नमक है। तो बिल्कुल हल्का सा स्प्रिंकल करेंगे हम इसके ऊपर। इसके ऊपर हम करेंगे हल्की सी लाल मिर्च पाउडर टेस्ट के लिए। आप चाहें तो रेड चिली फ्लेक्स का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप अगर अपने लिए बना रहे हो तो आप इसके अंदर ग्रीन चिली का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो ग्रीन चिली का यूज ना करें। इसको ऐसे ही फ्राई कर सकते हैं या फिर इसको हल्का सा आप बेल भी सकते हैं। तो जब सबसे पहले इसको हल्का हल्का सा ऑयल लगा लेंगे दोनों साइड में, हल्का हल्के हाथों से इसको थोड़ा सा फैला लेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारा मुगलई चीज पराठा एकदम रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको फ्राई कर लेते हैं और इसी के जैसे हम सारे पराठों को तैयार कर लेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने ऑयल को गरम कर लिया है। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम के बीच में रखेंगे। ऑयल हमारा अच्छा सा गर्म हो चुका है। तो अब हम मुगलई चीजी पराठे को फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम के बीच में रखेंगे। ऑयल हमारा अच्छा गर्म होना चाहिए और दोनों तरफ से पलटते हुए हम पराठे को सेक लेंगे, यानी कि फ्राई कर लेंगे। जैसे ही पराठा हमारा फ्राई हो जाएगा, पराठे के ऊपर अच्छा सा कलर आ जाएगा गोल्डन ब्राउन, तो हम उसको निकाल लेंगे। लेकिन अभी हमें पलटते हुए दोनों साइड से पराठे को अच्छी तरीके से फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा मुगलई चीज पराठा एकदम रेडी हो चुका है। तब हम इसको प्लेट में सर्व कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा मुगलई चीजी पराठा बनकर एकदम रेडी हो चुका है। तो अब हम आपको पराठे को कट करके दिखा देते हैं कि पराठा इतना अंदर से कितना चीजी बना है। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया और कितना डिलीशियस लग रहा है। चीज बहुत ही अच्छी तरीके से अंदर मेल्ट हो चुकी है और बहुत ही डिलीशियस लग रहा है। इसे आप अपने घर में जरूर ट्राई करें, अपने बच्चों को बनाकर दें, अपनी फैमिली को खिलाएं। तो अगर आपको हमारी आज की ये मुगलई चीज पराठे की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल द वीएस किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।